नमस्कार, स्टेट टाइम्स की टॉप न्यूज में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य नेता पहुंचे अयोध्या, 12-29 पर शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के चलते जम्मू में आज के लिए केबल कार सेवा हुई मुफ्त। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पर्यटकों के लिए सुविधाओं के निर्माण की सुविधा के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि होमस्टे के लिए पंजीकरण में हालिया वृद्धि ऑफबीट पर्यटन स्थलों की अपार संभावनाओं को दर्शाती है। डल झील में अब हाउस बोटों की आग और पानी से होगी रक्षा। डल झील में हाउस बोटों को आग से बचाएगी इमरजेंसी सर्विस बोट। हाउस बोट मालिकों के अंशदान से तैयार हुई ये बोट। बॉलीवुड के अभिनेता और कई खिलाड़ी भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2023 के डांगरी आतंकी हमले के सिलसिले में एक किशोर को किया गिरफ्तार, जिसमें 7 नागरिकों की जान गई थी। रविवार को राजौरी में मिनी बस के खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत, 17 लोग घायल। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। और खबरों के लिए देखते रहें स्टेट टाइम्स।